हेलो डी स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिकल टूल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं। आज के जो टॉपिक रहेंगे, इंटीग्रेशन रहेगा, फिर ग्राफ्स रहेंगे, फिर लॉगरिथम है, एपी जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। अब तक हम फिजिक्स तो पढ़ ही नहीं रहे, घबराने कोई बात नहीं, अब तक हम सिर्फ मैथ ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिफ्रेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया, अब इस वीडियो में इंटीग्रेशन के कुछ रूल हैं। रूल नंबर 1, x रेज टू पावर n dx, अगर आपके पास इंटीग्रेशन है। अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो n आ गया तो उसमें से एक पावर हमने माइनस की, तो लेकिन यहाँ उसके अपोजिट होने वाला है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय में n प्लस 1, मींस एक पावर ऐड हो जाएगी। सिंपली वही नीचे आप लिख दोगे एज इट इज प्लस c, c भी द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर कि आपको इंटीग्रेशन करना है x रेज टू पावर 3 dx, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय में 4 प्लस c, सी भी द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इस टाइप से करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सभी चीज़ें। अगर मैं बोलूँ इंटीग्रेशन आपको करना है फॉर एग्जांपल 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, ओके, तो रूट एक्स है तो बेटा इसको ऊपर ले जाओ, कितनी पावर हो जाएगी, माइनस 1 बाई टू डी एक्स। अब क्या करना है, इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 बाई टू में 1 ऐड कर दो, एज इट इज वही नीचे लिख दो, ठीक है। तो x की पावर माइनस 1 बाई टू प्लस 1, 1 बाई टू प्लस, और ये कितना हुआ 1 बाई टू, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 रूट x, ठीक है। तो ये सेम रिजल्ट आया, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं है। तो इसका हमने इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन क्या है, 2 रूट x। इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मैंने बताया था। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं क्या वो यही रिजल्ट आएगा। 2 रूट x का डिफ्रेंशिएशन करें बस, क्या आएगा देखते हैं, लेट्स चेक। तो 2 बेटा बाहर, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स मीन्स है क्या, एक्स की पावर 1 बाई टू, 1 बाई टू कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेटा एक दूसरे के एंटी हैं, एक को समझ में आएगा तभी दूसरा समझ में आएगा, इसलिए मैं रिलेट करवा रहा हूँ। तो 1 बाई टू आगे, एक्स की पावर 1 कम, 1 बाई टू में से 1 कम मतलब माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ एक्स की पावर माइनस 1 बाई टू, माइनस 1 बाई टू मीन्स 1 बाई रूट एक्स, क्या सेम रिजल्ट आया, हाँ सर बिल्कुल सेम आया है। इसका मतलब बेटा आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे क्या होते हैं, एंटी होते हैं। जहां आपको डिफरेंशिएशन पूछा जाए किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो डिफरेंशिएशन करके आप उसका रिजल्ट निकालोगे, अगर उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो सेम वही रिजल्ट आएगा जो पहले आया है। ओके, तो एक कुछ फॉर्मूला यहाँ, फर्स्ट मैंने आपको अभी बताया, एक्सप्लेन किया। सेकेंड क्या, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, तो देखिए शाबाश। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कोस होता था, लेकिन इंटीग्रेशन उसका अपोजिट, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस, अंदर जो वो एज इट इज, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे डी बाई डी एक्स अंदर वाले का डेरिवेटिव, लेकिन इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन डिवाइड में होगा, डिफरेंशिएशन जो अंदर जो पार्ट देख रहे हो ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ होगा बेटा डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ओके, ए एक्स में ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स मीन्स 1 और बी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा, ए लिखा है। ओके, क्लियर हो गई ये बात। अगर मैं आपको बोलूँ एक और क्वेश्चन से हम यहाँ इसको करेंगे एग्जांपल की हेल्प से आपको, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ साइन 3x माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा, साइन का क्या होगा, माइनस कोस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई में डिफरेंशिएशन किसका, जो टर्म इसके अंदर है, ठीक है, प्लस c। अब 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3, 2 कांस्टेंट है 0, तो आंसर क्या आएगा इसका, माइनस का cos 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई में 3 प्लस c। ओके ओके, नेक्स्ट है cos kx dx, cos का इंटीग्रेशन प्लस sin एज इट इज kx, अब kx का नीचे डेरिवेटिव k प्लस c। सेकेंड स्क्वायर का टेंजेंट, टेंजेंट का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट, एक प्रकार से डेरिवेटिव, सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, कोसेकेंट का डेरिवेटिव कोसेकेंट एक्स कोट एक्स, सिंपल वही फॉर्मूला चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं अभी आपको इसके बाद कंप्लीट में क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जिससे आपको और ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, और कोशिश करना कि आप उनको ट्राई करें मुझसे पहले एक बार, वीडियो को पॉज करके फिर चेक करें कि आपने वो क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है, ठीक है, क्योंकि माइनर मिस्टेक होती है बेटा, गलतियां कर रहे हो इसी का मतलब तो आप पता चल रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं, गलतियां होंगी एक बार दो बार तीन बार, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आउटपुट आता रहेगा और आपके सभी क्वेश्चन होते रहेंगे।
अगर आप ट्राई नहीं करोगे, सिर्फ देख रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला बेटा। ट्राई करेंगे एटलीस्ट हम लोग, तभी कुछ बात बनेगी। ओके, तो यह है इसका 1/4 में बेटा लॉगरिथम लिखेंगे सबसे पहले, तो ठीक है। 1/x dx अगर मैं बोलूँ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिंपली log x। लेकिन यहाँ पर अगर कोई टर्म है बेटा डिवीजन में, उसका डेरिवेटिव आएगा, जैसे यहाँ है तो log ax प्लस बी डिवाइडेड बाई में इसका डेरिवेटिव, ए एक्स का डेरिवेटिव बेटा ए लिख दिया, बी का डिफरेंशिएशन जीरो। तो इस टाइप से हम इसके कुछ रूल जानेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ एक्सरसाइज के। यहाँ ये कुछ फंक्शन गिवन है, यहाँ इंटीग्रेट करना इन सभी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आई स्टार्ट करते हैं, ये मैंने 9 यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने लिखे, इनसे आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं 1 से। ओके, बताइए सर, बस एक्स की पावर 11/2 गिवन है इंटू डी एक्स, क्या आएगा? अरे ऐड करो, सिंपल क्या है, x की पावर 11/2 प्लस 1, 11/2 प्लस 1, जल्दबाजी मत करना, प्लस c। आंसर क्या है, x रेज टू पावर 13/2, और ये भी कितना होगा 13/2, मीन्स 2 ऊपर चला गया, 2/13 x की पावर 13/2 प्लस c। फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड क्या, x रेज टू पावर -7, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमें कोई इफेक्ट नहीं। तो -7 + 1 - 7 + 1 प्लस सी कितना हुआ, x रेज टू पावर कितनी आई, -6, यहाँ भी क्या -6 प्लस सी। थर्ड पार्ट क्या है, x रेज टू पावर p/q इंटू डी एक्स, एक्स रेज टू पावर p/q प्लस 1, p/q प्लस 1 प्लस सी, क्या आया, एलसीएम ले लो इसको, x की पावर p+q/q, और नीचे क्या आएगा, क्यू एलसीएम आएगा, तो p+q नीचे रहेगा और q ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, प्लस सी। नेक्स्ट जो पार्ट है फोर्थ में क्या है, x square अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा, x square - cos x + 1/x dx, ठीक है शाबाश। x square का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी, x की पावर 3/3, कोस एक्स का इंटीग्रेशन बताएं शाबाश, कोस का क्या होता है इंटीग्रेशन, प्लस का साइन, तो -sin h3, तो साइन। 1/x का log x प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है नंबर 5, क्या गिवन है, a डिवाइडेड बाय में x² + b/x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो a अलग है, कांस्टेंट x की पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो x की पावर -2 dx, मैं लिख रहा हूँ, प्लस बी एज इट इज इंटीग्रेशन 1/x dx। अब तो हो जाएगा a x की पावर -3/-3 प्लस b log x प्लस c, ठीक है। कितने पार्ट हो गए, 5। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर जो 6 है, एक मिनट, पार्ट नंबर 6 अभी क्या नाम है, x²-2x + 5 dx, बताएं से, अब x² का इंटीग्रेशन x³/3/3 - 2x²/2/5, कांस्टेंट का जीरो नहीं होता बेटा, क्यों नहीं होता, इंटीग्रेशन जब आप dx की बात करोगे तो वही सेम एज इट इज आएगा जो वेरिएबल है, ठीक है। x की पावर 3/3, 2 से 2 कैंसिल, x² + 5x, ये इसका आंसर रहेगा, कहीं आग बंद करके जीरो लिख दो, डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इंटीग्रेशन नहीं। ओके, नेक्स्ट आ गया है नई प्रॉपर्टी जो है, अंडर द रूट 1 + y²/2y dy। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, जो भी कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन देखिए आप उसको पुट कर दो, 1 + y² जो आप देख रहे हो इसको मैंने t पुट कर दिया, डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ मिलेगा हमें, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, y² का 2y dy = dt। अब इस इक्वेशन में आ जाओ, ठीक है, इसको हमने क्या पुट किया है, 1 + y² को t, ये कंप्लीट क्या आ चुका है, dt, लिख दो यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 से t हो जाएगा, ठीक है। अब t की पावर 1/2, इंटीग्रेशन क्या, t की पावर 3/2, ठीक है, लिमिट यहाँ भी कोई पुट नहीं करें, t की पावर 3/2 / 3/2 मीन्स 2/3 प्लस सी। अब जो लास्ट रिजल्ट आया उसमें t को दोबारा से पुट कर दो, 1 + y² इसकी पावर कितनी 3/2 प्लस सी, आंसर आ गया।
ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन हो ना पुट कर लिया करो। अभी एक दो क्वेश्चन और हैं जैसे ही जो मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट जो पोर्शन है उसकी तरफ देखें से, बस एट्थ पार्ट की तरफ। एट्थ के अंदर क्या एक्स स्क्वायर है, साइन जो एक्स है उसकी पावर थ्री है। ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन जो एक्स है इसके अंदर इसकी पावर थ्री है इंटू डी एक्स। शाबाश, देखें काम क्या करना, पुट एक्स की पावर थ्री इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ तो सर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो कोई बात नहीं बेटा, थ्री को डिवीजन में ले जाओ, डी टी बाई थ्री। अब यहाँ पुट करो, इसके अंदर आ जाओ, साइन टी ये क्या हो चुका है डी टी बाई थ्री, थ्री को बाहर लिख दो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस टी प्लस सी। अब कोस टी है क्या, एक्स की पावर थ्री डिवाइडेड बाई में थ्री प्लस सी, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पोर्शन जो है साइन एज टू पावर फोर टी प्लस कोस टी इंटू डी टी। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुट करें बेटा साइन टी को, यू पुट कर दें। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस टी डी टी इज इक्वल टू डी यू। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोस टी डी टी, तो इसको क्या लिख देंगे, यू की पावर फोर इंटू डी यू। इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, फाइव बाई में फाइव। अब यू है क्या, साइन टी, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, साइन के पावर फाइव टी बाई में फाइव प्लस सी, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं इंटीग्रेशन का। ये था इनडेफिनेट जब लिमिट गिवन नहीं है। जब लिमिट गिवन है तब क्या करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। जब लिमिट गिवन है तब क्या करेंगे। ओके, आइए देखिए शहबाज, डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में हम बात करेंगे, इनडेफिनेट के बारे में हमने बात की। फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल का साइन है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, अपर लिमिट होता कैसे है बस वो देखिए। यहाँ से जैसे इंटीग्रेशन करें कुछ वैल्यू आएगी, अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा, यहाँ नहीं लिखना, ठीक है। डायरेक्ट जी एक्स है और लिमिट क्या आएगी, ए टू बी, मीन्स अपर लिमिट जहां पर एक्स दिख रहा वहां पर माइनस लोअर लिमिट, ये कुछ रहेगा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो बात करनी है। तो इस टाइप से हम करेंगे, ये चार मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इनको। सबसे पहले फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये आपने क्लास नाइन्थ में भी स्टडी किया होगा, यहाँ इलेवंथ में भी आप इसको देखेंगे, स्टडी करेंगे। जी एम एम एक्स स्क्वायर डी एक्स आर टू इन्फिनिटी लिमिट गिवन है। अब होता है क्या बेटा, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक्स है, तो जी एम एम बाहर आएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय में एक्स स्क्वायर, लिमिट कहाँ से का आर टू इन्फिनिटी। ओके, मुझे ये बताएं शाबाश, जी एम एम है ये, तो एक्स की पावर टू है, ऊपर जाएगी माइनस टू होगी, और माइनस टू होगी तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू प्लस वन, एक ऐड करना बेटा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, आर टू इन्फिनिटी। क्या बनाइए, तो हम लिखते हैं माइनस वन आएगा, माइनस टू प्लस वन, उसको मैंने बाहर लिख दिया, माइनस जी एम एम एक्स रेज टू पावर कितनी, माइनस टू प्लस वन एक्स की पावर माइनस वन, तो क्या हम उसको वन बाई एक्स लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट वन बाई इन्फिनेटी माइनस वन बाई आर, तो वन बाई इन्फिनेटी होता है जीरो, तो क्या आया यहाँ से, माइनस जी एम एम इन टू वन बाई आर, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, क्या आया जी एम एम बाई में आर, तो ये रिजल्ट यहाँ से निकल आया। ठीक है, इंटीग्रेशन किया था यही रिजल्ट आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर, सिमिलर है ये, क्लास ट्वेल्थ के अंदर आएगा चार्जेस के अंदर। तो आइए बात करते हैं, एक बार ये मेथड आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट बन गया, तो चाहे किसी टाइप का क्वेश्चन हो बेटा आप उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। ओके, आइए देखते हैं, ये चारों मैंने डिफरेंट कैटेगरी के लिए है, चारों जो है, सेकंड जो है यहाँ पे बात करें, आर वन टू आर टू है, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर। पहले ये बताएं शहबाज, कॉन्स्टेंट कौन कौन है, आर सिर्फ वेरिएबल दिख रहा है आपको,
तो इन सभी को बाहर लिख ले, माइनस के क्यू वन क्यू टू, यहाँ क्या आएगा डी आर बाई में आर स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन में, या हम उसको लिख सकते हैं आर एस टू बार माइनस टू डी आर, ठीक है। इंटीग्रेशन बताया था क्या करना है, एक ऐड करना है और वही नीचे लिख देना है, माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन आर वन टू आर टू, माइनस वन आएगा माइनस माइनस प्लस हुआ के क्यू वन क्यू टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर टू ये क्या बनेगा वन बाई आर, क्योंकि माइनस टू बड़ा है ना प्लस वन से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पुट शाबाश, तो 1 बाई आर टू माइनस 1 बाई आर वन, ये इसका रिजल्ट रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात की, थर्ड और फोर्थ हम अभी करते हैं। देखिए सहबस क्या है, एम वी डी वी है, वेरिएबल कौन है, v मीन्स वेलोसिटी और m क्या है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकालना है, सेम रिजल्ट u टू v एम वी डी वी, एम बाहर v dv, इंटीग्रेशन कहां से कहां, u से v, v की पावर 1 है इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगी पावर 2 बाई 2 u टू v, अपर लिमिट माइनस 2 को बाहर लिख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रिजल्ट आ गया बेटा क्या आया m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट नंबर 4 साइन x dx, लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, माइनस कोस, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 टू पाई बाई 2, ओके, अपर लिमिट क्या होगी पाई बाई 2 पुट करेंगे, माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस कोस 0, कोस 0 कितना 1 और कोस 90 कितना 0, तो आंसर क्या आया 1, ओके। तो ये इंटीग्रेशन के डेफिनेट पार्ट के अंदर हमने बात की, अब हम बात करें कुछ ग्राफ जो स्टैंडर्ड ग्राफ हैं और फिर लॉगरिथम फिर एपी जेपी, ओके। ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो इनके बारे में बता रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस टाइप से आपको ग्राफ बनाने हैं। तो फर्स्ट जो ग्राफ है यहाँ आप देख सकते हो ओरिजिन है, दैट इज एक्स एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस, तो लिखा वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये आपको पेपर के अंदर दे सकता है कि वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 4, इसके लिए आप प्लॉट करें ग्राफ बनाए, ठीक। करना क्या होता है, कुछ नहीं करना बेटा, बिल्कुल सिंपल इन इक्वेशन में कैसे पता चलेगा सर, चार ऑप्शन गिवन है कि कौन से किसके इक्वेशन है, तो यहाँ से x की जगह 0 पुट करके देखें, x इज इक्वल टू 0, y क्या रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, बस इतना चेक करें, x की जगह 0 पुट किया y नेगेटिव, x जब 0 था y नेगेटिव, बात समझ में आ गई, जब x 0 था y नेगेटिव था, ठीक है, तो ठीक है सर ये क्लियर हुआ, यहाँ 0 कॉमा माइनस वाई। नंबर टू आप पुट करके देख लें, जब y को 0 पुट करेंगे तो c साइड अगर पॉजिटिव होगा x पॉजिटिव, यहाँ ऐसा ही है x जो है पॉजिटिव है और y क्या है यहाँ 0 है, बस इतना सा काम आप लोगों को करना है। अब यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आएगा, क्लियर। नंबर थ्री, अब यहाँ मैं x की जगह अगर 0 पुट करूंगा तो देखें से बस y क्या है पॉजिटिव, x की जगह 0 y पॉजिटिव, 0 कॉमा पॉजिटिव प्लस y, कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ अगर बात करें यहाँ देखें से बस x क्या है नेगेटिव y क्या है जीरो, x को मैं जैसे ही 0 पुट कर रहा हूँ तो y पॉजिटिव था, अब जब मैं y को 0 पुट करूंगा तो c साइड अगर नेगेटिव होगा तो ठीक है सर बिल्कुल क्लियर हुई बात, ओके। अब नेक्स्ट इसके अंदर अगर बात करें यहाँ थीटा वैसे तो स्लोप है m नेगेटिव है, लेकिन यहाँ हमें बात करनी है इसके अंदर क्या इक्वेशन, ठीक है यहाँ देखें से बस यहाँ x पॉजिटिव है और y क्या है जीरो, यहाँ x क्या है जीरो और y क्या है पॉजिटिव, अब मैंने x को जीरो पुट किया, x को हमने जीरो पुट किया तो y क्या रिजल्ट आया पॉजिटिव, ठीक है y इज इक्वल टू सॉरी माइनस एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, तो x को मैं जैसे ही जीरो पुट किया यहाँ पर y पॉजिटिव आया, और जैसे ही मैं y को जीरो पुट करूंगा तो x अगेन क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, तो x क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है, बाय मिस्टेक ये प्लस लिखा गया था यहाँ, ये जो है x y, अब देखें से बस y की वैल्यू चाहे प्लस टू पुट करें माइनस टू, x हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। यहाँ अगर पुट करेंगे कोई भी वैल्यू पुट करें x साइड नेगेटिव, x की कुछ भी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो जो x का रिजल्ट है वो नेगेटिव में ही आने वाला है, ठीक है। इस केस में x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो y पॉजिटिव पॉजिटिव में रहेगा, यहाँ y नेगेटिव x की कोई भी डिफरेंट वैल्यू, ये जो चार इक्वेशन इक्वेशन ऑफ पैराबोला है,
ठीक है, ये इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर किस टाइप का होता है, हम सभी को पता है रेडियस कॉमन, तो उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, सिंपली रेडियस कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें कॉमन हो जाते हैं सभी चीजें, रेडियस जो फैक्टर है। तो ये था कुछ ग्राफ के बारे में, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ग्राफ, कोई भी कुछ भी इक्वेशन आप उसका ग्राफ इजिली बना देंगे इसको करने के बाद। ओके, अब हम करते हैं लॉगरिथम के बारे में। तो लॉगरिथम में जो क्या है, आपको फॉर ही जो इक्वेशंस होते हैं उनको लर्न करना है। बेसिकली टू जो इक्वेशन होती है, एक तो माइनस फॉर्मूला होता है, एक प्लस में होता है। तो कैसे होता है देखिए, बस लॉग एम माइनस लॉग एन जो होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो डिवाइड करते हैं लॉग एम बाई एन। अगर हम बात करें लॉग एम प्लस लॉग एन, तो दोनों का प्रोडक्ट होता है लॉग एम इंटू एन। अगर आगे पावर है लॉग बी, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, लॉग बी रेज टू पावर ए। ठीक है, तो ऐसे इनको लिखा जाएगा लॉगरिथम फॉर्मूलाज को। अब हम बात करते हैं एपी और जीपी के अंदर। एपी के अंदर होता है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म होती हैं इस फॉर्म में गिवन होती हैं, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, अप टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वेयर ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, और सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मीन्स क्या है, ए क्या फर्स्ट टर्म, एन बाई टू इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस ये क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इसका सम फाइंड आउट करना, 4 प्लस 8 प्लस 12 अप टू 64। ठीक है, इनका सम फाइंड आउट करना है, वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मेथड थोड़ा लॉन्ग रहेगा। अब यहाँ मैं अगर 4 को कॉमन लूँ तो बेटा इस टाइप से आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कितने तक, 16, 4 से 64। तो टर्म कितने हैं, सिर्फ वो देखना 16 है। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, एन क्या हुआ 16, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पे 4, मीन्स ए क्या है 4, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 64। तो फॉर्मूला क्या, वही एन बाई टू इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसका जो फॉर्मूला एन बाई टू, एन कितना है 16, 16 डिवाइडेड बाई में 2, फर्स्ट टर्म 4 है और लास्ट टर्म क्या है 64। तो ये कितना हो बेटा 8 इंटू में कितना होगा 68 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 544। तो ये हमारे पास यहाँ रिजल्ट चल कर आएगा एपी के केस में। तो एपी के केस में फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन, तो फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अगर इनका स्क्वेयर होता है 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 बाई 6। तो ये कुछ फॉर्मूले रहेंगे इनको सोल्व करने के लिए एपी केस में। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जीपी की। आइए, अब जीपी में क्या होता है, जीपी में जो फॉर्म होती है वो इस फॉर्म में होती है, ए कोमा ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर एस टू पावर 3 अप टू ए आर एस टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, इसको इसका फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स और सम ऑफ इन्फिनिटी, दोनों टाइप मैंने यहाँ लिखी। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, ए फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर एस टू पावर एन 1 माइनस आर, एन बी द नंबर ऑफ टर्म हियर। इन्फिनिटी के लिए सिंपली 1 माइनस आर लिखना है, आर क्या है कॉमन रेशो, वहां कॉमन डिफरेंस था, यहाँ क्या कॉमन रेशो। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ गिवन है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 अप टू 256, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखें 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 2 रेज टू पावर 3, इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 2 रेज टू पावर 8। टोटल कितनी टर्म हुई, 1 2 3 4 8, तो ये हो गई एक ही, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हुई 9। ठीक है, 9 हो गई ना बेटा, 8 और 1 9, तो n आ चुका है, और ये क्या है फाइनाइट है, तो फाइनाइट के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये एस एन इज इक्वल टू क्या हुआ ए, ए क्या फर्स्ट टर्म 1 इंटू 1 माइनस आर क्या कॉमन डिफरेंस,
अब 2 बाई 1 1 2 रेज टू पावर 4 बाई 2 भी 2, तो 2 कॉमन डिफरेंस हुआ और पावर कितनी आएगी बेटा, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 9, डिवाइडेड बाय में 1 माइनस आर, 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, तो माइनस 1 है तो यहाँ माइनस से ऐसा लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 9 माइनस 1, ये कितना, तो 2 की पावर 9 होती है 512, आप इसको निकाल लेना तो आंसर आएगा 511, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। अब नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ऐसे जो APGP होता है ना बेटा, वो मोस्टली जो क्वेश्चन से ही क्लियर होते हैं। अब यहाँ बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, ठीक है, हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता इनफिनिटी, लेकिन कॉमन डिफरेंस पता है, 1 बाई 2 को 1 से डिवाइड करें 1 बाई 2, 1 बाई 4 को 1 बाई 2 से डिवाइड करें 1 बाई 2, तो R का पता चल गया, तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ इनफिनिटी टर्म 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R, अब 1 में से 1 बाई 2 जाया तो 1 बाई 2 आंसर कितना आएगा 2, ठीक है, तो APGP लॉगरिथम ग्राफ इंटीग्रेशन डेफिनेट इनडेफिनेट सभी हमने क्लियर कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।